देश में भी छत्तीसगढ़ की तरह सरप्राइज मिला। महाकाल की नगरी के मोहन यादव को बीजेपी विधायक दल का नया नेता चुना गया है, यानी मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको एक बार फिर दिखा देते हैं आज शाम 4 बजे से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ। इन तस्वीरों के साथ ही साफ हो गया कि अब मध्य प्रदेश में शिवराज युग खत्म हो गया और मोहन युग की शुरुआत हो गई। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपना नया सीएम मोहन यादव को घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया। मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। मोहन यादव उज्जैन साउथ से बीजेपी विधायक हैं और ओबीसी समाज से आते हैं। मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। खास बात यह है कि मोहन यादव बीजेपी के पहले यादव समाज से आने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक दल की बैठक करीब 1 घंटे तक चली, जिसके बाद मध्य प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया। मोहन यादव के परिवार वालों को भी उनके सीएम बनने से बेहद खुशी है। मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के। इससे पहले विधायक दल के नेताओं का फोटो सेशन भी हुआ, जिसमें शिवराज सिंह चौहान अलग थलग दिखाई दे रहे थे। हालांकि आलाकमान के फैसले के बाद साफ हो गया कि अब शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग भूमिका हो सकती है। बीजेपी दफ्तर के बाहर शिवराज सिंह के समर्थक भी जुटे हुए थे। बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और उस संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। जाहिर है ये राजनीतिक गलियारों में बीजेपी का एक और चौंकाने वाला फैसला है। दूसरी ओर राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मुहर लगाना बाकी है। यहाँ अभी किसी भी नेता को नहीं पता कि अगला सीएम चेहरा कौन हो सकता है। परसों पीड़ा समाप्ति की ओर है, दिनों की दूरियां घंटों में सिमट चुकी है। आलाकमान के हमारे दूत देश के रक्षा मंत्री जी जल्दी आएंगे और जल्दी निर्णय हो जाएगा, इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूँ। मंगलवार को जयपुर में विधायक दल की बैठक होगी, जबकि मंत्री बनने के लिए लॉबिंग अभी से शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।